हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना नहीं बनाना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो, कौन सा मार्केट प्लेस पे आपने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहिए है, ठीक है, क्रिप्टो के ऊपर या फॉरेक्स के ऊपर। तो दोनों मार्केट को हम समझेंगे पहले, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो किस मार्केट के पे आपने जाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको कॉन्टेंट मिलेंगे टेक्निकल एनालाइज और ट्रेडिंग के रिलेटेड। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो तो आप मेरा कोर्स इनरोल कर सकते हो। सिंपल आपने इस लिंक ट्री के ऊपर क्लिक करना है और इनरोल ट्रेडिंग कोर्स पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइम इस कोर्स का जो फी है $100 है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर, $50 पर आपको कोर्स मिल जाएगा स्टार्टिंग के 10 लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं दोनों मार्केट्स में डिफरेंस क्या है फॉरेक्स और क्रिप्टो में। पहले तो मार्केट साइज देखते हैं दोनों का, किसका मार्केट कैप बड़ा है, ठीक है। तो इस टाइम जो फॉरेक्स का मार्केट कैप है वो है 2.4 क्वार्टर ट्रिलियन, और अगर क्रिप्टो का देखा जाए 1.33 ट्रिलियन। तो मतलब कि इस टाइम जो मार्केट कैप है वो फॉरेक्स का ज़्यादा है। और अब फॉरेक्स में हम किन चीज़ों पे ट्रेड करते हैं और क्रिप्टो पे हम किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स के ऊपर हम जो दुनिया की करेंसीज है, USD, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, इस तरह के करेंसीज के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, गोल्ड के ऊपर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा सिल्वर के ऊपर, ऑयल के ऊपर ट्रेड लेते हैं फॉरेक्स के ऊपर। क्रिप्टो के ऊपर हम लेते हैं बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड, और बाकी ये अल्ट कॉइन्स के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए दोनों के मोमेंटम की, तो इस टाइम आपको मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा फॉरेक्स के ऊपर, ठीक है। जो वोल्टिलिटी है फॉरेक्स मार्केट का ज़्यादा है और क्रिप्टो का नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो फॉरेक्स के ऊपर, और अगर क्रिप्टो मार्केट को देखा जाए यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पर मार्केट मोमेंटम नॉर्मल है। अब बात करते हैं लेवरेज के ऊपर, लेवरेज है क्या और आपने किस तरह ट्रेडिंग करना चाहिए, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपने इन दोनों मार्केट में से किसके ऊपर जाना चाहिए। चलते हैं फॉरेक्स के मार्केट के ब्रोकर के ऊपर, देखते हैं किस तरह अकाउंट बनाया जाता है। तो ये XM ब्रोकर है, ठीक है। इसके अलावा मजीद और भी ब्रोकर्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप XM ब्रोकर ज्वाइन करना चाहते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर सारे आप अगर फॉरेक्स स्टार्ट करना चाह रहे हो इस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो लेवरेज 1000 का लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पर क्रिप्टो पे अल्ट क्विंस का डिफरेंस लेवरेज साइज है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इंजेक्ट को उठाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने का लेवरेज है, 25x का हमें लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बिटकॉइन के ऊपर लेवरेज देखें तो यहाँ पर हमें 100x का लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। और जहाँ पर हम फॉरेक्स की बात करें यहाँ पर हमको 1000 का लेवरेज मिल रहा है, मतलब कि अगर आप $10 को 1000 लेवरेज के हिसाब से लेते हो तो आप समझो 10,000 का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो लेवरेज पे फॉरेक्स का बहुत ज़्यादा लेवरेज है, और यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। क्रिप्टो में भी आपका नॉर्मल रिस्क होता है, रिस्क इसमें भी है लेकिन इसमें आपका लेवरेज कम उठा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेक्स में कम लेवरेज नहीं उठा सकते हो, इस पर भी उठा सकते हो, कम लेवरेज उठा सकते हो, इस पर आप अपना लॉट साइज छोटा करके भी प्रॉफिट बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस पे जाना चाहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपने फॉरेक्स में जाना चाहिए या क्रिप्टो में जाना चाहिए। तो अगर आप अपना करियर ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में इन हो जाएं, ठीक है, उसके बाद आप फॉरेक्स में जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड लेना होना चाहिए या टेक्निकल एनालाइज इस पे सीख के उसके बाद आप इस फॉरेक्स की मार्केट में जा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप जा सकते हो लेकिन यहाँ पर वोल्टिलिटी ज़्यादा है, आप जल्दी से अपने फंड्स लूज कर दोगे, ठीक है, लॉस करके आप एक दफ़े में ही ट्रेड छोड़ दोगे। क्रिप्टो में ये है वोल्टिलिटी थोड़ा सा नॉर्मल है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सेफ प्ले कर सकते हो फॉरेक्स के बजाय। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें अपना करियर, और उसके बाद जब आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो तब आप अपना ज़्यादा प्रॉफिट के लिए
आप फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट मूव कर सकते हो खुद को, और यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, बायबिट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मेरे रेफर से ज्वाइन कर लें और आपको बोनस भी मिल सकता है 30,000 डिपॉजिट ट्रेडिंग का, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हो, क्रिप्टो में आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो आपको एक्सएम ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आप करेंसी, गोल्ड, सिल्वर वगैरह के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये सारा कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्स में अभी जाके इनरोल कर रहे हैं, ताकि आपको ये सारा कुछ आपको एक गाइड मेंटोर के तौर पर मैं आपको गाइड कर सकूँ और आप इसमें एक लेस रिस्क में आके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर अभी जाके फॉलो कर लें।